यहाँ पर निनाद की जान बचाने वाला है ईशान। ईशान निनाद को लेकर वापस आएगा। हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर जहाँ एक तरफ सवि और उसका पूरा परिवार इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर निनाद कहाँ चला गया है, वहीं अब निनाद की वापसी होने वाली है। निनाद जो है वो गुम हो गया था और नागपुर के लिए निकल गया था। उसे सई और विराट की काफी याद आ रही थी। ऐसे में अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर ईशान भी एक काम के सिलसिले से निकला था और रास्ते में उसकी मुलाकात हो जाती है निनाद से। वो निनाद को लेकर अब घर आ चुका है। यहाँ पर वो उसको अपने साथ घर लाने के लिए निकलता है, पर यहाँ पर निनाद जो है वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है कि वो सई और विराट से ही मिलना चाहता है। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर सई और विराट नहीं रहे और निनाद को कुछ दिनों पहले ही ये बीमारी सामने आई थी कि वो चीज़ों को भूल जाता है, लेकिन यहाँ उसका इलाज भी करवा दिया गया था। पर अब फिर से जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और जिस तरीके से वो एक बार फिर से चीज़ों को भूल रहा है, उसकी याददाश्त जिस तरीके से जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि मानो अब यहाँ पर एक बार फिर से निनाद फिर से सारी बातों को भूलने वाला है। लेकिन यहाँ ईशान भले ही सवि को बिल्कुल पसंद ना करे, वो भले ही सवि को नफरत करे, वो भले ही सवि से नाराज हो, लेकिन जब भी बात आती है परिवार को संभालने की, तब जो है ईशान हमेशा आगे रहता है, फिर चाहे वो उसका परिवार हो या फिर सवि का। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर निनाद जब उसे रास्ते में मिलेगा तब उसको लेकर वो घर चला आएगा। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या वाकई में अब सवि और एक साथ ईशान के मिलने की घड़ी आ चुकी है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।